जेडीयू में एक ही सर्वमान्य नेता है और वो है नीतीश कुमार। इसके अलावा कोई भी नेता नहीं है। यह बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें कहना है जेडीयू के प्रदेश महासचिव अभय कुशवाहा का। भले ही नीतीश कुमार यह दावा करे कि पार्टी में सब ऑल इज वेल है, लेकिन पर्दे के पीछे की लड़ाई अब सड़कों पर साफ दिखाई दे रही है। जेडीयू के अंदर गुटबाजी अब खुलकर विरोध में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पटना पहुंच रहे आरसीपी सिंह के स्वागत में लगाए गए पोस्टर से नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर गायब थी। इस मामले को लेकर पूरा विवाद हुआ, मीडिया कवरेज हुई और उसके बाद अब पोस्टर लगाने वाले जेडीयू के प्रदेश महासचिव ने कहा है कि जेडीयू में सिर्फ एक ही नेता है और वो है नीतीश कुमार, इसके अलावा कोई भी नेता नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि पार्टी में कई पदाधिकारी हैं, सभी की तस्वीरें लगाने का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अभय कुशवाहा पहले जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ऐसे में सीनियर नेता का यह बयान पार्टी में खुले विरोध का संकेत दे रहा है। अभय कुशवाहा ने साफ साफ कहा है कि जिस पोस्टर को लेकर इतना विवाद खड़ा किया गया वो इस लायक था ही नहीं। हमने पोस्टर लगाया था, हमारे नेता नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की उसमें तस्वीर थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर भूलवश नहीं लगी। अगर उनकी तस्वीर पोस्टर में नहीं थी तो इसमें बड़ी गलती जैसी कोई बात नहीं है। आपको बता दें कि जदयू नेता ने यह भी कहा है कि पिछले दिनों जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पटना आए थे तो पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की तस्वीर पोस्टर से गायब थी। उन्होंने कहा कि पहले पार्टी नेतृत्व को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जिन्होंने आरसीपी सिंह और उमेश कुशवाहा की फोटो नहीं लगाई थी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को नेता मानने से अभय कुशवाहा ने मना कर दिया है। बड़ी खबर है कि अब उपेंद्र कुशवाहा क्या जदयू के नेता नहीं है? क्या जदयू के नेता ही अब उनको अपना नेता नहीं मानते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। कुशवाहा ने दो टूक कहा है कि उनके नेता केवल नीतीश कुमार हैं और बाकी लोग जो पार्टी में हैं वो सिर्फ पदाधिकारी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आरजेडी में जो लड़ाई चल रही है क्या अब जेडीयू में भी वो लड़ाई देखने को मिल रही है? क्योंकि जिस तरह से आरजेडी में कृष्ण अर्जुन की लड़ाई चल रही है, कहीं ना कहीं जदयू के नेता जो हैं उसमें मलाई खा रहे हैं, लेकिन अब खुद जदयू में जो अंदर की जो गुटबाजी चल रही है उससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जरूर परेशान होंगे। कहा तो ये जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बनने के बाद जेडीयू जो है कई गुटों में बट गई है, कई लोग जो हैं ललन सिंह के समर्थन में हैं तो कई जदयू के नेता जो हैं ललन सिंह का खुलकर विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ललन सिंह का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना जेडीयू के अंदर कला बनता जा रहा है? अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जदयू के अंदर ये लड़ाई अब भयानक रूप ले रही है। आगे जो भी खबर होगी आपको अपडेट करते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है, कैमरे के पीछे ओम प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।